कि आप लोगों से बातचीत कर सकूं स्पेसिफिकली उन बच्चों से जिनके ग्रुप वन के एग्जाम्स हैं मे 2017 एंड सेवन में राइट right. तो ग्रुप वन वालों भाई ऐसा है पहली बात तो ये कि आप दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए कि आप कोई दुनिया का टफेस्ट एग्जाम दे रहे हैं या फलाना 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 ठीक है मैं आपको एक सुपर शेड्यूल बताने वाला हूँ आप बस वो फॉलो कीजिएगा आई विल ट्राई कि मैं इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल तक ही रुकूं और आगे बातें ना करूं क्योंकि कभी कभी मैं भी भावनाओं में बह जाता हूं ठीक है मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि मई में, में अगर आपके एग्जाम्स हैं तो आपकी जो कोचिंग्स हैं वो कंप्लीट हो चुकी होंगी तो कोचिंग्स आर कंप्लीट सी सी ठीक है अगर कोचिंग्स कंप्लीट नहीं हुई देखिए दो तीन तरह के बच्चे हैं एक वो जिन्होंने सर कोचिंग शुरू में शुरुआत में ले ली थी जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है अभी तक उनकी कोचिंग पक्की बात है कंप्लीट हो चुकी होगी एक वो जिन्होंने सर अपने रिजल्ट के बाद कहीं कोचिंग ज्वाइन की होगी जैसे हमारे पास भी काफ़ी बच्चे होते हैं जो सर किसी और कोचिंग सेंटर से शायद पहले पढ़ के फेल हो जाते हैं या सेल्फ स्टडी करके क्लियर नहीं कर पाते एंड देन दे, दे, दे ज्वाइन तो अगर आप उस कैटेगरी में हैं तो शायद अभी अभी आपकी कोचिंग ख़त्म नहीं हुई होगी बट एनी केस इन एनी केस हम देखते हैं कि अगर कोचिंग खत्म हो गई है तो क्या करना है कोचिंग खत्म नहीं हुई है तो क्या करना है देखिए सर अगर आपकी कोचिंग्स कंप्लीट हो गई है तो आप एक बहुत अच्छी पोजिशन में हैं बहुत अच्छे आप इस समय स्टेटस पे हैं और यहाँ से आप बहुत अच्छे से अपने ग्रुप की तैयारी कर सकते हैं लगभग दो महीने बचे हैं हमारे पास और इन दो महीनों में मैं आपको गारंटी देता हूं आप ये शेड्यूल फॉलो कीजिए आप लोग सर कामयाबी बिल्कुल कामयाबी तक पहुंच जाएंगे आई शुड से कामयाबी आपके कदम चूमेगी तो पहली बात माइंडसेट बना लीजिए कि सर आप कोई बहुत टफ एग्जाम नहीं देने वाले आप एक सिंपल सा एग्जाम देने वाले हैं और अपने आप को पहचानिए आप वही बच्चे हैं जिसने सर ट्वेल्थ मेंसेंट ऐसे स्कोर करके फेंक दिए थे नाइन्टी मार्क्स और पता नहीं कितने कितने परसेंट मार्क्स आप लोगों के थे क्लास ट्वेल्थ के अंदर स्टेप वन सर मुझसे बच्चे पूछते शुरू कैसे करूँ स्टेप बेटा अकाउंट्स उठाओ अकाउंट्स को शुरू करो और कम से कम सात से आठ दिन का टारगेट रखो अकाउंट्स का दैट सेट ठीक है सेवन टू एट डेज का साथ ही साथ अगर आप इसको ऐसा करना चाहते हैं आप नाइन टू टेन डेज कर लीजिए साथ साथ आप लॉ पिक कर right. कैसे? मैं हूं। अगर आप आठ भी पढ़ सकते, सकते हैं आप सर चौदह भी पढ़ सकते हैं आप जितना भी टाइम लगा रहे हैं सर पढ़ाई के लिए बहुत ध्यान सुनिएगा सपोज आप दस घंटे लगाते हैं तो भाई दो घंटे लॉ को दो आठ घंटे अकाउंट्स को दो दस दिन आठ आठ घंटे अकाउंट्स को एटी आवर्स हंड्रेड आवर्स के आसपास ठीक है सर एटी टू हंड्रेड आवर्स के आसपास सौ घंटे में अकाउंट्स कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करें मैं बताऊंगा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ना है प्रैक्टिकल शायद मैं गलत बोल हूँ न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ना है ठीक है अभी के लिए आप अस्सी से सौ घंटे तक का बजट बनाइए पूरा अकाउंट्स कंप्लीट कीजिए और दो दो घंटे करके लॉ पढ़ते जाइए इस दो घंटे में मैं चाहूंगा कि आप बिज़नेस लॉ पढ़ें जैसे कि आपका ग्रेचुटी एक्ट हो गया आपका बोनस एक्ट हो गया और इन दस दिन में दो घंटे दस दिन में आप बिजनेस लॉ को कंप्लीट करने के बारे में सोचिए एक्सेप्ट दैट सीपीटी वाला कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ठीक है सर तो दस दिन में आपने देखिए क्या क्या कंप्लीट कर लिया आपने अपना अकाउंट्स कंप्लीट कर लिया साथ ही साथ आपने अपना बिजनेस लॉ का मेजर पोर्शन कंप्लीट कर लिया अब सेकंड सेकंड सब्जेक्ट जो आँगे, आँगे कौस्टिंग एफेम। कौस्टिंग एफेम। आप उठाएंगे वो आप उठाएंगे कॉस्टिंग एफएम कॉस्टिंग एफएम अगेन मैं यहाँ पे दो बातें बोलूंगा एक सर मैंने हाउ टू प्रिपेयर कॉस्टिंग पे एक वीडियो बना रखा है बहुत फेमस वीडियो है दो पार्ट्स में है जरूर देखिएगा दूसरा सर एफ के लिए अगर आपने कहीं कोचिंग नहीं ली और बहुत परेशान है तो हम लोग वीडियो सीरीज लेके आ रहे हैं जिसमें अभी तक मैंने आपसे तीन चैप्टर प्रॉमिस किए हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी कैपिटल बजटिंग एंड वर्किंग कैपिटल राइट तो आप उनको भी देख सकते हैं अगर आपकी तैयारी पूरी है आप सर बिल्कुल एकदम इस समय रेडी टू मूव हैं तो सर आप बस कॉस्टिंग एफ के लिए टाइम निकालिए मैं एज्यूम करूंगा कि आप इसमें बारह से पंद्रह दिन के आसपास लगाएंगे दस दिन ऊपर लगा दिए पंद्रह दिन यहाँ लगा दिए अब इन पंद्रह दिन में क्या करना है वही सेम फंडा आठ से नौ घंटे कॉस्टिंग दो घंटे लॉ इस तरीके से आप अब क्या करेंगे इन 25 दिनों में बिजनेस लॉ प्लस एथिक्स प्लस कॉम यानी सत्तर नंबर जेब में एक तरफ से और दो सौ नंबर जेब में एक तरफ से पच्चीस दिन में आपने अपने चार सौ में से दो सौ सत्तर नंबर का सिलेबस कवर करना है सौ नंबर अकाउंट के चालीस नंबर आपके एथिक्स कॉम के तीस नंबर बिजनेस लॉ के और सौ नंबर आपके कॉस्ट एफ के ट्वेंटी फाइव डेज ये तो एक ब्रॉड टारगेट हो गया ठीक है सर देन इसके बाद आप तीसरा सब्जेक्ट जब उठाएंगे सबसे लास्ट में उठाइएगा टैक्स टैक्स को पढ़ना शुरू करेंगे टैक्स में सर आप कैसे करेंगे मैं इसमें डिटेलिंग थोड़ी सी कर देता हूँ जल्दी से देखिए सबसे पहले आप टैक्स उठाएंगे और टैक्स उठाने के बाद आप क्या करेंगे आईडीटी से शुरू करेंगे आईडीटी में बाई चांस अगर आपने मेरी यू अवेल कर रखी हैं तो सर मैं तो यही चाहूँगा कि आप जल्दी से यू देखें सर्विस टैक्स कंप्लीट करें एक्साइज कंप्लीट करें सनवेट कंप्लीट करें ये तीनों मिला के आपके एग्जाम में अप्रॉक्सीमेटली सर जी सर जी सर जी फोर्टी मार्क्स के आते हैं फोर्टी वैल्यूबल सबसे अच्छी बात यह है यू कैन स्कोर अप टू थर्टी फाइव मार्क्स वेरी इजीली अगर आपने कवरेज करी है तो जनरली स्टूडेंट्स इनमें कवरेज नहीं करके जा पाते और इसलिए सर उनको दिक्कत होती है थर्टी टू थर्टी फाइव मार्क्स सर आप लोग इसमें स्कोर कर सकते हैं इनकेस यू आर विलिंग टू अवेल माई लेक्चर्स तो उसका लिंक नीचे दे दूंगा आप लोग उसे बाय कर सकते हैं इट्स नॉट अ फोर्स सेल आपकी मर्जी है आप चाहते हैं तो ले लीजिएगा राइट थर्टी टू थर्टी फाइव मार्क्स मैंने इसी का एक पूरा कोर्स बना रखा है इसी में बोलता हूँ आई डी टी फोर्टी मार्क्स और उसमें आपका फोर्टी मार्क्स का आई डी टी मैं आपको कवर कराऊंगा कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर्स हैं साथ ही साथ मैं ये भी बता दूँ कि मेगा एग्जामिशन की वीडियो मैं यूट्यूब पर डालूंगा कंप्लीटली जो आई पी सी सी के लिए रेलिवेंट मेगा होंगी राइट गाइज तो ये तो बात हो गई हमारे टैक्स के आईडीटी आईडीटी आपने ऐसे ही करना है सर्विस टैक्स अगर कोई मुझसे बच्चा पूछे एक बार अगर वो पढ़ चुका है जैसे मैंने अपनी वीडियोस में 18 घंटे मेरी सर्विस टैक्स कम्प्लीट कराया है तो मैं मैंज्यूम कर रहा हूँ कि बच्चा अगर तीन दिन लगाए सर्विस टैक्स पे बहुत अच्छे से हेल्दी वे में वो सर्विस टैक्स कंप्लीट कर सकता है तीन दिन में एक्साइज और सन ये एक दिन लगा लो और ये भी एक दिन लगा लो इसके बाद जो बच गया आपका कस्टम सी और वैट ये बच्चों कुछ नहीं है ये मजाक है मजाक बिलीव भी ये मजाक है इसको भी आप लोग सर एक दिन में पूरा या फिर मैक्सिमम दो दिन में कंप्लीट कर सकते हैं तो थ्री प्लस वन प्लस टोटल हो गया फाइव फाइव प्लस टू इज सेवन सेवन डेज में फिफ्टी मार्क्स आपने कवर करने हैं बहुत अच्छे से क्योंकि ये फिफ्टी मार्क्स आपके मेक और ब्रेक बनने वाले हैं टैक्स के एग्जाम में इसमें आपने सर इतनी कोशिश करनी है

सर की मैंने पूरा कवर कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कीजिए देखिए ठीक है सर इसी तरह रेजिडेंशियल स्टेटस की रिवीजन डाल दूंगा बेसिक्स की वीडियो सब डली हुई है रिवीजन वीडियो के लिए हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं नीरज डॉट कॉम पर वीडियोस का टैब होगा क्लिक इट एंड वॉच इट अच्छा जी

और साथ ही साथ आप एडवांस टैक्स जरूर पढ़िए ये बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इनको आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करने का है ठीक है सर ये सब लेकिन आपका एक दिन में हो सकता है इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर इनकम एंड चैरिटेबल ट्रस्ट एक से दो दिन इससे ज्यादा नहीं मैक्सिमम टू डेज सो टू प्लस टू प्लस टू सिक्स सेवन एंड टू इज नाइन नाइन प्लस अप्रॉक्सीमेटली सेवन डेज इज इक्वल टू सिक्सटीन डेज लगभग सोलह दिन में आपने टैक्सेशन कंप्लीट कर देना है इसके साथ साथ आप चाहे तो हल्का फुल्का कंपनी लॉ चला सकते हैं हल्का फुल्का यानी एक डेढ़ घंटे रोज का आप चाहे तो पढ़ना ठीक है हल्का फुल्का सो पॉइंट ये है कि सर 25 दिन हमने ऊपर लगाए लगभग 17 दिन हमने 16 दिन हमने यहाँ लगाए 25 और 16 कितने होते हैं 41 के आसपास मेरे ख्याल से होते हैं 41 डेज में आपने लगभग अपना 80 नंबर चार तीन सौ नंबर का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है लास्ट में जल्दी से को उठाइए और कंप्लीट कर दीजिए राइट right. तो लगभग सर हम लोग चालीस से पचास दिन में पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं बाकी जो हमारे पास समय बच जाएगा उसको रिविजन के लिए लगाएंगे फिर हर सब्जेक्ट को दो दो दिन में रिवाइज़ करके देखेंगे लगभग साठ दिन है तो पैंतालीस पचास दिन हम लोग लगाते हैं अपने अच्छी तरह कवरेज करने में उसके बाद दो दो दिन दो दो तीन तीन दिन देकर जल्दी जल्दी रिवाइज़ करते हैं राइट सर इस तरीके से आप ग्रुप वन अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं ये मैंने बहुत खुली खुली आपको टाइमिंग्स बताई हैं आप थोड़ा सा टाइट भी होकर चल सकते हैं डिपेंड करता है कि आपका पहले कौन सब्जेक्ट किस हिसाब से प्रेपेयर था अगर मैं टाइट प्लानिंग बताने की कोशिश करूँ गाइज तो देखिए अकाउंट्स आपका फाइव टू सिक्स डेज में कंप्लीट होना चाहिए कॉस्टिंग एफ आपका दस दिन मैक्सिमम लगने चाहिए कॉस्टिंग एफ दोनों को मिला टैक्स अगेन आपका सर दस दिन में आपको बहुत ज्यादा बता रहा हूँ अगर आपने पहले से अच्छे से रिवीजन कर रखी है तो इट इज अप्रोक्सीमेटली ट्वेंटी सिक्स डेज राइट right. अगर मैं लॉ भी जोड़ दूं तो मान लेते हैं सर लॉ वैसे तो मैंने आपको बताया कैसे कंप्लीट करना है साथ साथ बट उसके एक्स्ट्रा में छः दिन भी मान लेता हूँ तो छब्बीस और छः सर बनते हैं आपके बत्तीस आप ये शेड्यूल फॉलो कर सकते हैं थर्टी टू डेज में आप सर अपना ग्रुप वन अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं अगर पहले आपकी तैयारी थोड़ी बहुत है राइट right. तो इस तरीके से कर लीजिए मतलब मेरा कहने का ये है बत्तीस से बयालीस अंदर अंदर टू अच्छी तरह तैयार हो जाना चाहिए अगले जो के तस तस दिन दिन बचते हैं उसमें आप डेज 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 रिवीजन 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 इवन ट्राई कर सकते हैं एग्जाम से पहले जो लगभग चार पांच दिन होंगे जब आपका फर्स्ट एग्जाम है चार दिन अकाउंट्स को डेडिकेट कर दीजिएगा उससे पहले सारा अपना समय लगाइएगा बाकी सब्जेक्ट की रिविजन में राइट सर आई होप ये प्लान आपको कुछ काम करके दिखाएगा आप इसको कुछ अप्लाई करेंगे और आप इसे यूज़ करना चाहेंगे एंड अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो प्लीज़ 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 मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपने इसको यूज़ किया आपको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ और अगर आपके पास भी कोई शेड्यूल है तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा मैं होता तो सर मैं ग्रुप वन की तैयारी ऐसे ही करता आई वुड आई वुड स्टार्टिंग विद अकाउंट्स अकाउंट्स के बाद आई विल स्टार्ट माई कॉस्ट एफ एम एंड देन इसके साथ साथ मैं लॉ थोड़ा बहुत चलाता रहता देन मैं स्टार्ट करता टैक्सेशन लगभग बत्तीस से बयालीस दिन के बीच का टारगेट लेता कि सर मैंने सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट करके फेंक देने हैं राइट right? उसके बाद मैं सर अब शुरू करूंगा अपनी रिवीजन पहले देखिए हमारे पास चार सब्जेक्ट हैं अगर हम टू डेज रिवीजन भी करते हैं थ्री डेज रिवीजन भी करते हैं तो बारह दिन में एक बार पूरे चारों सब्जेक्ट हम लोग रिवाइज कर सकते हैं राइट right? वीडियो जो आपके लिए हेल्पफुल है वो मैं सारे यूट्यूब पर डालता रहता हूँ आगे भी डालूंगा प्लीज देखते रहें इन्जॉय करते रहें सबके साथ शेयर करते रहें और कुछ ना कुछ सीखते रहें क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद राइट सर स्टे कनेक्टेड स्टे हेट